हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 12.4 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। इन फिगर 12.93 इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, प्रूव दैट ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। तो देखिए, ये आपकी है फिगर 12.93 और आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी, देखिए ए डी आपकी ये है और बी सी आपकी ये है, ये आपस में दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं और आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए डी सी। देखिए ये आपका ट्रायंगल है ए डी सी और ट्रायंगल सी बी ए आपका ये वाला है सी बी ए। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए आपको यही दोनों ट्रायंगल लेने हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए, दो साइड्स तो आपको ऑलरेडी गिवन है और तीसरी साइड कैसे होगी? देखिए, ये आपकी कॉमन साइड होगी क्योंकि इनका बेस एक ही है। ट्रायंगल एक ये है आपका, एक ये है और दोनों का बेस आपका कॉमन है। ओके, तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको गिवन है, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ओके, ये भी आपको गिवन है। अब आप लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी, ओके, ये आपकी कॉमन है। नाउ यू कैन राइट बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, यू कैन से ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर एंड L, M and N are the midpoints of the sides PQ, QR and RP respectively. Prove that LN is equal to MN. Let's see, ये आपका ट्रायंगल है PQR, okay? और आपको यहाँ पर midpoints given है। PQ जो line है उसका midpoint है आपका L, okay? और QR का midpoint है M और पी आर का मिड पॉइंट है एन। ओके, लेट्स से हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, इसके बाद बोला गया है प्रूव दैट एल एन इज इक्वल टू एम एन। आपको प्रूव करना है ये जो एल एन है ये एम एन के बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल पी एन एल एंड ट्रायंगल आर एन एम, ओके, हमने ये दो ट्रायंगल लिए हैं पी एन एल, ये वाला ट्रायंगल और आर एन एम, दैट मीन्स ये वाला ट्रायंगल। ओके, अब देखिए हमने ये दो ट्रायंगल ही क्यों लिए हैं? देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ओके, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, दैट मीन्स ये वाली आपकी कंप्लीट लाइन बराबर है पी क्यू के। ओके, दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ओके, देखिए अब दोनों एंगल आपके बराबर हैं, ये दोनों ट्रायंगल, यहाँ पर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर साइड गिवन है, फिर उसके बाद आपने एंगल्स को भी इक्वल कर लिया। ओके, जब आपको साइड्स बराबर हों तो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं,
तो देखिए इस पी क्यू को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ पी क्यू, ओके, ये होगा आपका हाफ ऑफ क्यू आर के। अब देखिए हमने इसको हाफ क्यू लिखा है, ये एल आपका मिड पॉइंट है और एन आपका मिड पॉइंट है, तो हम इस साइड को भी लिख सकते हैं और इस साइड को भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ का मतलब है, इस पी क्यू लाइन का हाफ का मतलब है ये लाइन और ये लाइन, तो हम लिखेंगे ये वाली लाइन पी एल आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि ये आपका ट्रायंगल और ये आपका ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दोनों ट्रायंगल, ओके। और इस ट्रायंगल में क्यू आर का जब आप हाफ करेंगे तो ये वाली साइड आप कंसिडर करेंगे एम आर, ओके, तो हाफ ऑफ पी क्यू हो जाएगा आपका पी एल और हाफ ऑफ क्यू आर हो जाएगा आपका एम आर, ठीक है। क्यू एम से आपका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ट्रायंगल आपको यूज में नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा आपका एम आर, ओके। इसके बाद पी एन इज इक्वल टू एन आर, पी एन इज इक्वल टू एन आर, क्यों? क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट है, दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, है ना, ये आपको गिवन है, या फिर आप बोल सकते हो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, फाइन। इसके बाद आप लिख सकते हो जिस तरीके से आपने साइड के बाद एंगल्स को इक्वल प्रूव किया, तो आप यहां पर लिख सकते हो एंगल एल पी एन इज इक्वल टू एंगल एम आर एन, ओके, सिंस यू नो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, नाउ यू कैन से फ्रॉम एस ए एस, यहां पर देखिए ये आपकी साइड है, ओके, पी एल ये आपका एंगल है, ओके, और पी एन ये आपकी साइड है, तो ये बन गया आपका एस ए एस। इसी तरीके से एन आर आपकी साइड है, एम आर आपकी साइड है और ये आपका एंगल है, तो ये बन गया आपका एस ए एस। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम एस ए एस रूल ट्रायंगल पी एन एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर एन एम, ओके। तो जैसे ही आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, उसके बाद आप बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी ये दोनों लाइन आपकी बराबर होंगी, ओके, यू कैन से देयरफॉर एल एन इज इक्वल टू एम एन सीपीसीटी, है ना। इन दोनों को इक्वल करने के लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद आप बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी दोनों साइड्स बराबर होंगी, ओके। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।